हे ट्स ऑफ माइनमी सुबोध रावत एंड वेलकम बैक टू चैनल इस वक्त मैं हूँ अपने होम टाउन में और जो कि उत्तराखंड में है और एग्जैक्ट प्लेस है जोशीमठ और मैं यहाँ पे लगभग डेढ़ महीने से हूँ और आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ टी रेक्स के जो डम्बल्स हैं बुलड्रॉफ़ फिटनेस के लगभग आठ महीने हो गए मुझे इनको यूज़ करते हुए इससे पहले ही मैंने इसका एक वीडियो बनाया था आठ महीने पहले और वो वीडियो में भी काफ़ी लगभग वन लैख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को आप जाइए उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा आप देख सकते हो चेक कर सकते हो उसको तो मैं आपके यहाँ शेयर करूँगा इसके इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और बात करते हैं स्टेट डम्बल्स की उतर Wasting any time. So, let us talk about the tumbles. सबसे पहले तो बता हूँ जो मैंने डंबल्स लिए थे वो है 17.5 पर केजी तो ये भी 17.5 का ये भी 17.5 और ये जाता है 2.5 केजी से लेकर 17.5 तक आप इसको ले जा सकते हो ये बिल्कुल बेसिक वाला है जो इनका बेसिक ये प्रोवाइड करते है। तो हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ट्रांसपोर्टेशन की जो ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो मैं दिल्ली में रहता हूँ दिल्ली से यहाँ तक मैं इसको गाड़ी में रख के लेके आया हूँ तो ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आराम से आ गया कोई दिक्कत नहीं थी ऑलमोस्ट सारे वर्कआउट इससे कर लेता हूँ अपना कंडीशनिंग वर्कआउट स्ट्रेंथ वर्कआउट जितना मैक्सिमम हो सकता, डंबल से वो कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी जो फिटनेस जो वापस मैं अपने घर में जाऊँ और होम जिम में जाकर अपना दोबारा वर्कआउट करूँ तो ऐसा लगे कि मैंने बहुत ज्यादा मिस आउट कर दिया है तो फिर उसमें मुझे बहुत हेल्प कर रहा है सेकंड थिंग टू टॉक अबाउट द डंबल्स इज रफ यूज तो मैंने इन डंबल्स का मैंने और मेरे कजन्स ने भी जो छोटा है बहुत ही ज्यादा रफ यूज़ किया है तो ये आप देख सकते हो जैसे कि इस प्लेट में आप देखोगे कि ये देखो जैसे मार्क्स आ गए हैं तो फिर बहुत ज्यादा रफ यूज़ हुआ था तो इसको ऐसे नीचे था या फेसिंग दिस साइड तो इसको बिल्कुल ही ऐसा स्लाइड कर दिया था तो टेरेस बहुत रफ है तो फिर उसकी वजह से थोड़े से ऐसे अधिकशन मार्क्स पड़ गए हैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दी पेंट प्रोटेक्शन ऑन दी प्लेट्स एंड ऑल्सो दी स्टर्डीनेस ऑफ द डंबल्स ऑफ दी प्लेट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है ये कोई कास्ट आयरन नहीं है ये प्रॉपर स्टील है स्टील को कट किया गया है और ये डम्बल बनाया गया है ओके नाउ टॉकिंग अबाउट दी लॉकिंग मैकेनिज्म तो लॉकिंग मैकेनिज्म इसका है जो आठ महीने हो गया उसके बाद भी काफ़ी स्मूथ है तो मैं इसको लगाता हूँ और लगाने के बाद इसको अगर मैं रोटेट करूँ देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और अभी तक मैंने कोई भी इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया कुछ भी नहीं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है बट अगर आप डंबल लगा रहे हो तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप इसको हाथ से भी टाइट कर दो कि जरूरत नहीं है स्पैनर यूज़ करने का बट ऐसा नहीं है क्या होता है कि जब आप डंबल यूज़ करते रहते हो तो फिर बाय टाइम थोड़ा सा ये लूज हो जाता है तो उसके लिए क्या है कि आपको स्पैनर यूज़ करना जरूरी है तो जब भी आप डंबल आप लॉक कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर टाइटिंग द डम्बल्स विद द स्पैनर तो स्पैनर को लगा के फ़िट करके इसको इसमें फ़िट किया और टाइट करिए उससे क्या होगा कि अच्छा सिक्योर लॉक हो जाएगा क्योंकि लॉकिंग मैकेनिज्म अच्छा है आप हाथ से भी कर सकते हो बट अगर आप उसके बाद देखोगे आप चार पांच सेट कर रहे हो आप रफ सेट कर रहे हो उसका डंबल थ्रो भी कर रहे हो नीचे उसका आप देखोगे थोड़ा सा ये लूज होने फील हो गया है बट अगर आप स्पैनर से टाइट करते हो तो फिर बिल्कुल ये सही सिक्योर रहता है तो बेटर है बेस्ट है दैट यू यूज़ दिस स्पैनर वैन यू आर लॉकिंग द डम्बल्स नाउ लेट स्टॉक अबाउट द यूजेज तो यूजेज की बात करें तो काफी ज्यादा वर्सीटाइल है अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैं कई बार होता हूँ कि सिंगल डंबल से ये वर्कआउट करता हूँ। तो फिर मैं अपना एक, एक पैर से वर्कआउट कर रहा हूं जो दूसरा पैर है उसमें मैंने कम वेट लगा दिया है और उसको टाइट कर दिया तो मेरा जो कजन है इससे भी वर्कआउट कर रहा है तो फिर वर्सिटाइल है आपकी फैमिली मेंबर में अगर इसको कम ज्यादा है तो कोई और भी यूज कर सकता है ऑब्वियसली नो रॉकेट साइज एडजस्टेबल डंबल है तो फिर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है बट एम जस्ट शेयरिंग की मतलब मेरे को बेनिफिट हुआ है मतलब घर में और लोग भी हैं तो फिर उन्होंने भी यूज़ किया है जो डम्बल का अच्छे से यूज हुआ है फैमिली में और मेंबर्स ने भी अच्छे से जो कम है कोई ढाई किलो से कर रहा है कोई पांच से कर रहा है कोई साढ़े सात से कर रहा है मैं भी कभी पाँच से कर रहा हूं जब बाइसअप कर्ल्स कर रहा हूं या दस से कर रहा हूं कभी साढ़े सत्रह से कर रहा हूं जब स्क्वाट्स कर रहा हूं या कोई ऐसे कंपाउंड मूवमेंट्स हैं सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन डम्बल्स की जो कि मुझे पहले नहीं पता था और मुझे अब पता है क्योंकि यार टाइम हो गया यूज़ करते हुए डम्बल्स को जो मुझे फर्स्ट वीडियो में नहीं पता था जब मैंने इसका रिव्यू किया था वो ये है कि यार अगर आप जिम वाले वर्कआउट्स करते हो जैसे कि आप ड्रॉप सेट कर रहे हो और पिरामिड कर रहे हो जिसमें कि आपने एक सेट मारा और उस सेट के बाद आपको जस्ट बाद आपको थोड़ा कम करना है या ज़्यादा करना है बढ़ाना डंबल एक सेट के बाद तो यार बहुत इरीटेशन होती है तो ये ये चीज़ है कि आप इन डंबल्स को यूज़ कर रहे हो उसके बाद अगर ड्रॉप सेट कर रहे हो तो फिर आपने एक कर लिया आप साढ़े सत्रह से कर रहे हो फिर आपको चाहिए पंद्रह फिर आप हटा रहे हो फिर लगा रहे हो एक सेट के बाद तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है लगता है यार आ, मैं यार यही करता हूँ इससे अच्छा सेपरेट पेयर होता है वो है एक चीज बट ऑब्वियसली यार ये एडजस्टेबल डंबर है तो फिर ये एक हमें इसके यहाँ रहना पड़ेगा इसमें तो फिर मैं क्या है मोस्टली मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ मैं मोस्टली क्या करता हूँ मैं क्रॉस फिट टाइप के वर्कआउट करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि एक ही वेट में मैंने सेट कर दिया जाए साढ़े सत्रह है तो मैंने साढ़े सत्रह ही सेट कर दिया इसको मैं कम ज़्यादा नहीं करूँगा बिटवीन द ड्यूरिंग द होल वर्कआउट तो पूरे वर्कआउट में सेम ही पेयर से सेम ही वेट में वर्कआउट करता हूँ पूरा और अपना वर्कआउट खत्म करता हूँ ऐसे नहीं कि मैंने सत्रह से किया उसके बाद यार मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार अब नहीं अब मैं हटा रहा हूँ फिर पंद्रह से कर रहा हूँ तो ये नहीं करता मैं सेम वेट से वर्कआउट अपना करता हूँ और उसको खत्म करता हूँ सो so, अगर आप जिम वाले वर्कआउट करते हो आपको ड्रॉप सेट पसंद है आपको पिरामिड सेट पसंद है जिसमें कि बार बार वेट्स कम करने हैं ज़्यादा करने हैं तो फिर दीज डम्बर्स आर नॉट फॉर यू आपको रिटेशन होगा मज़ा नहीं आएगा उतना ज़्यादा तो अब बात करते हैं टाइम की कि इसको डंबल लगाने में या फिर निकालने में कितना टाइम लगता है मैं बिल्कुल रॉ वीडियो बनाने वाला हूँ आपके सामने कोई इसमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा कोई इसमें मैं आ, स्लो नहीं करने वाला कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला एज इट इज़ जैसा है वही आपको दिखाऊंगा कितना टाइम लग रहा है आप खुद फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार डंबल्स आपके लिए हैं नहीं क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यार ये डम्बल्स हैं इसमें बहुत टाइम लग रहा है मैं वर्कआउट या डम्बल एडजस्ट करूँ तो फिर आप देख लीजिए कितना टाइम लगता है सो दैट यू कैन डिसाइड इट योर सेल्फ अपने वॉच में भी टाइमर लगा लेता हूँ सो दैट आई ऑल्सो गेट एन आइडिया कि कितना टाइम लग रहा है सो लेट्स स्टार्ट थ्री पॉइंट सेवन फाइव टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू फाइव ऑन वन साइड इसको हाथ से कर लिया उसके लास्ट में स्पैनर यूज करके प्रॉपर टाइट नाउ अदर साइड 3.75, 2.5 एंड 1.25 टाइट टू से प्रॉपर सिक्योर सो टोटल अराउंड थर्टी फोर टू थर्टी फाइव मुझे लगे हैं इसको एक पैर को एक बनाने में सो so, आप लगा सकते हो इतना टाइम लग रहा है अगर आपको फुल स्क्रैच को इसको बिल्ड करके बनाना है पूरा लगाने प्लेट्स दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला लेते हो मेरा बेसिक है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पहले रियलाइज नहीं किया था वो ही कि जैसे मैं क्रॉस वाले वर्कआउट करता हूँ तो उसमें कई वर्कआउट ऐसे होते हैं जिसमें मेरे को सिंगल डंबल ही चाहिए तो आई एम ओनली आई ओनली आई एम ओनली कंसर्नड अबाउट कि सिंगल डंबल मेरा कितने किलो का है तो अभी तो मैं आप देखोगे तो आप बोलोगे सिंगल मैं सिर्फ सेवन पॉइंट फाइव तक ले आ सकता हूँ बट नो दैट इज़ नॉट ट्रू अगर ये है फॉर अ पेयर बट अगर मेरे को सेम सिंगल डंबल को मेरे को बढ़ाना है तो मैं इन प्लेट को भी यूज़ कर सकता हूँ तो देखते हैं मैं इसको कहाँ तक ले आ सकता हूँ सो लेट्स ट्राई दैट हम ये चेक करने वाले हैं कि जो ये मेरा स्टड है इसकी जो लेंथ है तो यह लेंथ मेरा कितना वेट तक इसको बना सकता है कितना वेट का एक पेयर कितना मैक्सिमम डंबल बना सकता है सो so, 20 मेरा बना पा रहा है 1.25 करके 20 बनाने का एक और तरीका है 3.75 पॉइंट इसमें रहने दिया और जो स्टड और यह इसमें रॉड है, है इसका वेट है टू उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है टू और इंस्टेड ऑफ पोटिंग ये छोटी वाली प्लेट्स है 1.25 1.25 पॉइंट दो मैंने लगा दिया 2.5 पॉइंट फाइव स्ट्रेट अवे तो सिंगल डंबल को मैं कहां तक ले आ सकता हूं इसको तो देखते हैं तो मैंने इसमें अभी लगाया 3.75 2.5 2.5 पॉइंट अब मैं इसको अगर टाइट करता हूँ एक साइड तो ये टाइट हो रहा है गुड और अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ वन तो भी ये टाइट हो रहा है सो so, इसको टाइट करते हैं 1.25 तो अभी ये वेट बन गया है 22.5 अगर मैं सेम इसमें जो एडजस्टमेंट लगाई है मैंने प्लेट्स की यही कॉम्बिनेशन सेम है अगर दूसरी साइड लगाऊं तो ये बन जाएगा 22.5 22.5 ये डंबल बन सकता है सिंगल वाले वर्कआउट अगर हम कर रहे हैं सिंगल डबल वाले वर्कआउट्स अगर हम कर रहे हैं और अगर अब मैं ट्राई करता हूँ इसमें वन की प्लेट और लगाने की जिससे कि ट्वेंटी फाइव बन जाए अब ये फ्री हो गया है और ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा है सो so, इसका मतलब ये है कि जो बेसिक जो डंबल है हमारा 17.5 का 17.5 का डंबल हमारा बन सकता है 22.5 तक ही इससे ऊपर ये नहीं बन पाएगा तो Uh, ये भी इसकी बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि यार मैंने 17.5 के लिए मैंने पे किया है बट अगर मैं सिंगल डंबल वाले वर्कआउट कर रहा हूँ जो कि क्रॉसफिट में बहुत ही ज़्यादा uh, पॉपुलर होते हैं तो उसमें मैं इसको 22.5 तक ले आ सकता हूँ तो जो सेम डंबल का कॉम्बिनेशन है इसी डंबल में अगर आपको और ज़्यादा इसको हैवी बनाना है तो आप क्या कर सकते हो आप को ऐसे कुछ प्लेट्स लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा वो आपको रॉक फिटनेस की साइट में मिल जाएगा एक्स्ट्रा प्लेट्स आप ले सकते हो और आपको ये स्टड भी आपको लंबा लेना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है एक लॉन्ग स्टड आता है जिसकी की लेंथ है लंबी है तो फिर इसी में आपको लंबा स्टड जाके वो आपका बन जाएगा हैवी डम्बल बट फॉर मी आई थिंक यार वो थोड़ा सा मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है क्योंकि यार आपका जो पुराना वाला स्टार्ट है वो वेस्ट हो जाएगा ऑब्वियसली फिर इस ये किसी काम का नहीं है तो पहले से आप सोचो कि आपको किस कौन सा डंबल लेना है और कौन सा डबल आपके लिए यूजफुल होगा उसी हिसाब से आप चूज करो अपना वो बेटर है वो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है अगर मैं पहले ही ले लूँगा कि यार मुझे बेसिक के बाद इनका प्रो आता है अगर तो मैं प्रो लेता हूँ या एलिट लेता हूँ वाला लेता हूँ तो मुझे पहले से पता है कि मैं टू से मैं जा सकता हूँ पच्चीस किलो तक या उससे भी ज्यादा तक तो जब डबल मुझे मैक्सिम यूज़ करना है सेवनटीन के पेयर में तो मैं मैं सेवेंटीन पॉइंट इसको ता हूं अगर मुझे सिंगल नंबल यूज करना और हैवी यूज करना है तो मैं मैक्सिमम इसको ले आ सकता हूं 22.5 तक ट्वेंटी फाइव के जी पे ये फेल हो जाएगा ये नहीं स्टार्ट यूज़ हो पाएगा सो माई फाइनल वर्डिक्ट ऑन द डबल्स आफ्टर गुड एट मंथ्स ऑफ यूज़ मुझे लगता है कि यार ये डम्बल फॉर मी इज़ गुड क्योंकि यार मैं क्रॉस वाले वर्कआउट्स करता हूँ तो उसमें मेरे को सिंगल ही वेट पर एडजस्ट करना पड़ता है इसको तो सिंगल वेट पर मैं वर्कआउट अपना कर सकता हूँ विच इज़ गुड और अगर आप जिम वाले वर्कआउट्स करते हो जिसमें कि आपको वेट्स बार बार कम ज़्यादा करना पड़ता है तो वो वो होता है उसमें तो फिर यू गाइज कैन थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग द डबल्स बट अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा या फिर आप घर पर डम्बल्स यूज़ करना चाहते हो और आप बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है विच वॉज माई पॉइंट मेरी होम जिम में स्पेस कम है तो मैं नहीं चाहता कि मैं क्लटर करूँ और मैं सात आठ का पेयर रख लूँ और पूरा फैला दूँ सो कैज दैट सेफ नाओ और मेरा टाइम हो गया जाने का मैं वापस दिल्ली जाने वाला हूँ और वहीं से अपने होम जिम से वर्कआउट स्टार्ट करूँगा और बहुत जल्दी मिलेंगे और ज़्यादा वीडियोस के साथ और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दी डंबल्स आपको अभी भी कन्फ्यूजन है आपको लग रहा है कि यार क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए यू कैन ड्रॉप मी योर क्वेरी इन दी कमेंट्स बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आई सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम टिल देन रिमेंबर एज आई ऑलवेज से स्ट्रॉग माइंड स्ट्रॉग बॉडी गुड बाय